हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। मैं आरती चौहान। तक कैसे आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और तो आने वाला है हमारा छठ पूजा पर्व, जो आप लोगों को सबको पता होगा। मुझे नहीं लगता है कि कोई इंसान इस छठ महापर्व से वाकिफ नहीं हो। तो मैं आज इसी छठ पर्व का जो पूजा होता है, इसी के वीडियो के लिए शूट पर जा रही थी। तो ये देखो, ये पीछे जो वाइट वाइट भुए वाला जो पेड़ है, वो कितना अमेजिंग लगता है देखने में। इतना प्यारा लगता है ना, मन करेगा कि। लेकिन ये है कि वो शरीर में ना चिपक जाते हैं, लेकिन बहुत अच्छा लगता है। हम खेत के रास्ते से होते हुए जा रहे थे भट्टे की तरफ से, क्योंकि पेट्रोल गाड़ी में कम था, तो हम पेट्रोल भरवाने। तो पहले हम गए पेट्रोल पम्प पे, जहाँ आपने देखा होगा अगर मेरा नेक्स्ट वाला ब्लॉग, तो आप लोगों को पता होगा कि नेक्स्ट बार भी हम यहीं पेट्रोल भराने आए थे। और पेट्रोल भराने से मैं हमको ध्यान भी रखना चाहिए कि 500 का ना भरवाएं, कम से कम 499 का भराएंगे तो काफ़ी बेटर रहेगा। तो हमने अपना 1 लीटर पेट्रोल लिया और चल पड़े शूटिंग के। जो सोनी भैया है वो हमारा वेट कर रहे थे, तो मेरा भाई उसी वाले रास्ते से ले जा रहा था। ये देखो, वही वाला रास्ता था जो हम सलमापुर नहीं गए थे रावण जलाने, हम वहीं जा रहे हैं आज। रात में तो उतना भीड़ वाला व्यू देखा था, आज आप क्लियर व्यू दिखाऊंगी मैं आपको। इतना प्यारा व्यू है ना उधर का कि मैं आपको बता नहीं सकती। इधर तो मेरा फेस इतना ही क्लीन क्लीन आ रहा था, इतना अच्छा लग रहा था कि मैं राजा से बोल रही थी कि राजा चलो एक फ़ोटो वोटो खींच लेते हैं। मेरा भाई मेरे को डांट के बोल रहा है चलो इधर ही खींच लेंगे फ़ोटो। और फिर इधर बातें साथे करते करते हम वहाँ पहुँचने लगे थे। मेरा भाई मेरे को बोल रहा था कि कैसे क्या करना है, और मैं सुन रही थी और इधर उधर देख रही थी कि वो सोनू भैया कब आएंगे। और बाकी तरह मेरा मैगी मिर्च से मेरे को परेशान कर रहा था, और वीडियो बहुत ज़्यादा चेक कर रहा था क्योंकि हम बाइक से जा रहे थे ना। तो इसे अगर आप सपोर्ट करोगे तो हम भी कुछ बन जाएंगे। तो ये देखो, वही सलमापुर है जहाँ हम रात को आए थे, रावण दहन हुआ था ना वहीं। तो ये देखो, ये रावण दहन वहीं हुआ था, वो जो रावण बना था, रावण का पुतला वही था। और ये स्कूल का व्यू, एंड देन सब जो भैया भैया थे वो उधर था, ये मेरा छोटा वाला भाई था, सब सोनू भैया और उनके जो से थे उनके दोस्त वगैरह जो कैमरा शूट करने वाले थे, वो सब कैमरा शूट वगैरह में अरेंज करने में लगे थे कि किधर का व्यू अच्छा आएगा। इधर झरना जैसा बह रहा था, इतना प्यारा लग रहा था, लेकिन मैं अंदर जाती हूँ बट क्या है ना कि उधर पानी अंदर की झाड़ियों की तरफ से बह रहा था। इधर देखो मैं चश्मे में कैसी लग रही हूँ, कमेंट करके बताना। कपड़े चेंज किए हमने क्योंकि छठ पूजा का था, तो येल्लो साड़ी ही पहनी थी, तो हमने येल्लो साड़ी पहनी। और इधर ये राजा भैया, मेरे छोटे वाले भाई का नाम भी राजा है, उनके उनके दोस्त हैं ना मेरे गाँव के, उनका नाम भी राजा है। तो ये कैमरा का कैमरा स्टैंड पकड़ के और वापस अरेंज करने में लगे थे। एंड देन फिर हम अंदर गए तो बहुत सारी काई थी उस कुंड में, तो हम वही काई साफ की। एंड देन फिर जो ये भैया है, कलसुप था, कलसुप लाया मैंने, कलसुप धोई में। और फिर जो नारियल था, हम फ्रूट्स तो लाना भूल गए, फिर भी मैं नारियल ओनली लाई थी, उसी से आराम को काम चलाना था। एंड देन फिर मैंने नारियल सही के नारियल पे टीका किया, और बाद में हमारा सूट होने लग गया। ये देखो, मैं और सोनू भैया कैसे सूट कर रहे हैं। राजा भैया मेरा ब्लॉग बना रहे थे क्योंकि मैं सूट पे लगी थी, तो मेरा ब्लॉग का काम राजा भैया कर रहे थे, और ये विवेक भैया थे जो हमारे गांव के ये। एंड देन फिर हमारा ब्लॉगिंग, मतलब हमारा जो सूट था वो कम्प्लीट हो गया था। मैं सिर भी पेन करने लग गया था क्योंकि पिछले 3-4 घंटे से हम सूट कर रहे थे। एंड देन ये सोनू भैया को तो आप जानते ही हो, जो हमेशा मेरा वीडियो शूट करते हैं। फिर हम चलते हैं अपना कपड़ा चेंज करने। इधर मेरा भाई ऐसे औरतों टाइप में, मैं ऐसे बैठ ही नहीं पाती क्योंकि आपको पता है मैं ऐसे साड़ी पहन के बाहर आज के पहले कभी नहीं गई थी। इधर राजा को कैमरा पकड़ा दिया था मैंने, क्योंकि मैं उसको पकड़ के बैठी थी, मेरे को डर लग रहा था कि मैं कहीं गिर ना जाऊँ, शूटिंग में रह जाएगा और मैं यहाँ गिर उड़ के हाथ मुँह फोड़ लूँगी, मम्मी घर पे जाके बहुत मारेगी। फिर वहाँ पास के उनके दोस्त का रूम था, वहाँ हमने चेंज किया। एंड देन फिर वहीं घाट पे गए, मेरा पैर इतना गंदा हो गया था, फिर हमने पैर धोया। और फिर भैया का कैमरा, एंड देन अपने कपड़े जो भी थे वो सब उठा के झोला झंटा,
एंड देन फिर अपने घर के लिए निकल पड़े थे। घर पे जाते समय राजा से थोड़ी बहुत बातें हुई। राजा बोला था कैसे क्या था नहीं था, और एडिटिंग के लिए वीडियो भी हो जाएगा। फिर हम घर पे आए, राजा सोनुपिया का वो लेने भी जाएगा। घर पे आने के बाद मैंने तामझाम रखा, अंदर मेरा डुगू भी बाहर निकल गया था, मेरा शेर बहुत ज़्यादा पेनिंग कर रहा था। तो आज के लिए ब्लॉग मेरा इतना ही रहेगा, और छठ पूजा वाला जो ब्लॉग है वो आपको जल्दी ही देखने को मिलेगा। तो आप मेरे उस वीडियो को प्यार देना। लव यू, टेक केयर।